देखिए, मैं अगर शजील की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आजम को भी ऐड करूंगा कि ऑब्वियसली उनकी जो बैटिंग स्केल्स हैं या उससे तो किसी को वो दो राय नहीं होगी कि वो एट द मोमेंट आपके बेस्ट सिक्स हिटर्स में आते हैं. ठीक है, शजील की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, बट वी ऑल नो व्हाट ही कैन डू. उनके लिए हमने ऑब्वियसली जो आपने बात की है फिटनेस की और कुछ और चीज़ें हैं जिन पे हमारी नज़र है, तो उनके लिए हमने कुछ बेंचमार्क सेट किए हैं. डेफिनेटली वो प्लान्स का हिस्सा हैं, तो हमने उनको कुछ बेंचमार्क्स दिए हैं पीएसएल के दौरान और उसके बाद. अगर वो अचीव करते हैं, उस तरफ उनकी प्रोग्रेस होती है, डेफिनेटली उनको कंसिडर किया जाएगा. और इससे पहले आपने पूछा था शुएब मलिक का. देखिए, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में अभी मैंने आपको बताया था कि वट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉर. तो उसमें अगर हम ऑप्शन देखते हैं जो मिडिल ऑर्डर हमारे बैट्समैन और लास्ट दो साल के हम परफॉर्मेंसेज देखते हैं, तो उसमें आपको कुछ और जो लड़के अपकमिंग हैं वो सुपीरियर नज़र आते हैं. उनके स्टैट्स भी आपको बेहतर नज़र आते हैं, नो डाउट कि उनका एक्सपीरियंस मौजूद है वहाँ पे. लेकिन हमारी जो कोशिश है कि वर्ल्ड कप तक हमारे पास जितने मैचेस हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो पहले हाफ है हमारे मैचेस. देखिए, एक तो इसमें मैं चीज़ हम थोड़ा सा वो इस पर आपको ब्रीफ कर दूं कि जो फिटनेस की हमारी टेस्टिंग है, जो लेवल्स हैं उस पर एक तो हम दोबारा उस पर सोच रहे हैं, नई बैटरी इंट्रोड्यूस करने का भी हम सोच रहे हैं जो टेस्टिंग लेवल है. देखिए, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि फिटनेस ही सिर्फ मेयार नहीं है सिलेक्शन का. एंड ऑफ द डे प्लेयर्स ने क्रिकेट खेली है, इट अप्लाइज टू एवरीवन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली शर्जील. उस टाइम पे मुझे याद नहीं पड़ रहा मैंने उनकी फिटनेस के ऊपर कोई इतनी बात की हो, लेकिन उस टाइम पर उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी हमें पैची नजर आ रही थी. लेकिन जब बात आती है T20 क्रिकेट की, PSL में जिस तरह उन्होंने इनिंग्स खेली हैं, तो ना आपने डिसाइड ये करना है कि करंट जो प्लेयर है आपका, इसकी फिटनेस से वो पाकिस्तान को मैचेस जिता सकता है कि वो नहीं जिता सकता है. तो इस पर हमारी मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुई, एंड पे हमने यही डिसाइड किया कि ठीक है, फिटनेस पे उसको काम होने वाला, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, वी आर होपिंग कि वो इम्प्रूव करेगा अपनी फिटनेस, लेकिन एट द मोमेंट वो हमें बड़े मैचेस अपनी बैटिंग के साथ जिता सकता है.